नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। खबर अनूपगढ़ क्षेत्र से, बरसात के कारण नेशनल हाईवे के ओवर ब्रिज से नीचे से निकली मिट्टी। खबर विस्तार से, अनूपगढ़ क्षेत्र में नेशनल हाईवे 911 के ओवर ब्रिज जो कि अनूपगढ़ राजनगर रोड पर है, पुल के साइड से हटी मिट्टी, बरसात के पानी के कारण हट रही है मिट्टी, जिसके कारण कोई बड़ा हादसा होना स्वाभाविक है। कुछ दिन पहले ही एक ट्रॉली पलट गई और बड़ा हादसा नहीं हुआ। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि ओवर ब्रिज के बरसात के पानी के साथ मिट्टी बह रही है, इसका यदि पुख्ता कोई इंतजाम नहीं किया तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। इस मौके पर ग्रामीण वेद प्रकाश, जितेंद्र सिंह, भजन सिंह, निर्मल सिंह, काला सिंह, बलविंदर सिंह, मलकीत सिंह, हनुमान, बंटी राम, बीरबल, गोपी राम, धन्नाराम आदि लोग मौजूद रहे। देख रहे हैं सड़क को जिस प्रकार से टूटी हुई है, अभी ये सारा सड़क टूटने की वजह है, सबसे ज़्यादा ओवरब्रिज का जो पानी इधर आता है वो सारा एक साथ में आता है, जिसकी वजह से सारी सड़क खराब हो चुकी है। और अभी दो दिन पहले यहाँ पे एक ट्रॉली भी पलट गई है, इसके खराब होने की वजह से सारा बरसात का पानी इधर आता है और ये सारी सड़क अब तक खराब हो चुकी है। और आप दूसरी साइड में देखेंगे तो वो जो पुल के पास में जो नाला बना हुआ है, ये भी नीचे से खराब हो चुका है। तो किसी भी वक्त यहाँ पे कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो हमारा निवेदन है सभी ट्रक वालों की तरफ से, 80 GB की तरफ से, कि जो ओवरब्रिज का जो पानी आता है उसकी कुछ ना कुछ कोई रोकथाम की जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो और ये जो रेंज भी आगे से खराब ना हो। आगे उन्होंने कहा भी था कि इसको हम तैयार करवा के देंगे और दो तीन बार उनके खुद के पास भी जाके आए थे, परंतु उसके बावजूद भी कोई खास सुनवाई नहीं हुई है। ये कंक्रीट वगैरह डाल के उन्होंने हल्का सा रैंप तैयार कर दिया है और जिसकी कंडीशन आपके सामने अभी है, जो कि पूरा टूट चुका है अभी। देखो जी, हमारा बाइक है जो क्योंकि पानी आ रहा था, बिल्कुल रास्ता खराब था, जाने की सुविधा नहीं थी, पता नहीं चला, एकदम गिर गए और बाल बाल बच गए।